सो एपिसोड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना प्ले लाइफ इज स्ट्रेंज अगेन, और ये एपिसोड नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसका एक और पार्ट होगा आई थिंक, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टर कह रही है कि ये सिक्योरिटी गार्ड नेथन से बात कर रहा है, कुछ गलत ही होगा, कुछ केट और रेचल के बारे में ही बात कर रहे होंगे। एंड ये अभी बस लेकर ना अपनी क्लोई जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है उसके घर जा रही है। तो ये कट सीन है, तो आप लोग देखो, इन्जॉय करो। तो ये वापस पहुंच चुकी है उस जगह पे। उसके घर तो खैर नहीं जा रही, उसने इसको डिनर पे इनवाइट किया था, डिनर नहीं ब्रेकफास्ट पे। अभी मतलब इस जगह का नाम डिनर होता है, इसलिए मैंने गलती से डिनर पर लिया। और ये बंदा कह रहा है कि मेरी लॉटरी टिकट कोई मेरे साथ ले जाए, मैं इन फ्यूचर मिलियनेयर होने वाला हूँ। तो अब हम अंदर आ चुके हैं एंड अपनी सीट पर चल कर जो है बैठते हैं। लेट्स गो टू अवर सीट, और ये है हमारा बूथ, इसको बूथ कहते हैं। तो लेट्स सिट हियर। एंड ये उसकी मामा है, और ये भी इंट्रोडक्शन कह रही है, शी इज देयर इज द लवली वुमन, ये सब। एंड ये कह रही है नाइस टू सी यू अगेन, तुम सेम लग रही हो। एंड वो कह रही है हाँ मैं वही वेटरेस हूँ उसी जगह पे, इतने सारे सालों के बाद भी। तो कह रही है मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम अभी भी प्रिटी लग रही हो। तो इस ये क्लोई के बारे में बात करें, तो फिर मैंने जवाब दिया कि क्लोई को समझ आती है, बस उसको टाइम लगेगा चेंज होने में। तो अभी कह रही है कि वो किन किन चीज़ों से गुजरी है, वो सब मुझे बता रही है। So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Obviously Belgian waffle, because bacon is clean because that's haram and I don't want her to eat haram. बिकॉज इट्स माई करेक्टर, सो येस। कह रही है कि पिछला जो बेलजियन वॉफल मेरा फेवरेट था वो यहाँ पे था, तो मैं इसलिए खाना चाहती हूँ। ओके, ये मेन्यू देख रही है तो कह रही है इससे प्राइसेस चेंज हुई है। यार यहाँ इटली के हिसाब से प्राइसेस कम है। ओके, ये वहाँ से आ रही थी, मुझे कह रही है कि तुम्हारा जो स्टमक है ना, मुझे उसकी आवाज़ वहाँ से आ रही है। और क्लोई भी आ गई है, एंड क्लोई दरअसल यहाँ पे फ्री खाना खाती है, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी माँ का रेस्टोरेंट है। बट स्टिल मैंने कहा कि मैं उसको ट्रीट दे रही हूँ, तो वो कह रही है कि नहीं तुम वापस आई हो इतने सालों बाद, तो ट्रीट मैं मुझे देनी चाहिए। और कह रही है थैंक यू फॉर रेस्क्यूइंग मेरी बच्ची को रेस्क्यू करनी है। तो कह रही है कि मुझे किसी की रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स वे आउट। ओके, अब ये अपनी सुपर पावर के कह रही है मुझे बताओ, अपनी सुपर पावर के बारे में बात करते हैं। एंड ये कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे वो सब क्यों नज़र आ रहा है, एंड वो टॉर्नेडो वगैरह कह रही है वो बस एक ख्याल था। तो अब ये जो दूसरी लड़की है क्लोई, वो कह रही है चलो मुझे अभी आराम से बताओ कि तुम मैजिक कैसे कर सकती हो। तो अभी मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पॉकेट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बता सकती हूँ तुम्हें। तो कह रही है मुझे इंप्रेस करो। पहले मैं आई डोंट नो सेलेक्ट किया, बिकॉज ये जब अपने टेबल पे चीज़ें रखेगी ना, उसके बाद मैं उन चीज़ों को ध्यान से देखूंगा, ठीक है। एंड ध्यान से देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उनको सही तरह उसके बाद इसको जवाब दूंगा। ओके, तो इसने अपनी चीज़ें टेबल पे रख दी हैं। अब मैं लुक का ऑप्शन है, तो लुक पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये किसकी की चेन है जिसपे रोबोटिक पांडा बना हुआ है छोटा सा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसके अंदर 7 सिगरेट्स हैं, उन्हें 68 पेनी सेंट्स एंड 10:33-4 AM और 9:21-13 पे इसको एक पार्किंग टिकट मिला है। ओके, तो अब इसका माइंड ब्लो करते हैं टाइम पीछे कर। तो ये मैंने टाइम पीछे कर दिया है। एंड यार ये थोड़ा ज़्यादा वाइड जो है ना एक्सपोजर है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो कह रही है आई एम हेलो रेडी। पहली चीज़ तुम्हारी पॉकेट के अंदर सिगरेट्स हैं, ठीक है। कह रही है कि तुम्हें तो पता है मैं स्मोकर हूँ, तो बट मुझे ये बताओ कितने सिगरेट्स। 7 सिगरेट्स मैंने काउंट किया हुआ था। एंड कह रही है सुपर वाइज दैट अलाउज यू टू काउंट सिगरेट्स, कूल, अमेजिंग। कह रही है कुछ और मेरी पॉकेट में, एंड कीज। कह रही है बहुत आसान है, डिटेल बताओ मेरी किचन क्या है। तो ऑब्वियसली पांडा किचन है इसकी, तो यस। एंड बाकी चीज़ कह रही है नॉट बैड सुपर मैक्स। एंड अब व्हाट एल्स, मनी, ठीक है। टोटल 68 सेंट्स हैं इसके पास। कह रही है यू नो हाउ रिच आई एम, तो वो 86 सेंट्स, ठीक है। एंड कह रही है दैट्स राइट, मैं बहुत अमीर हूँ। एंड क्या कहते हैं, एक पार्किंग टिकट है, ठीक है। एंड कह रही है तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, बट मैं किस टाइम पे मुझे पार्किंग टिकट मिला था, 10:34 AM, मैंने याद रखा हुआ सब कुछ।
Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. I'm freaking out about what just happened. ओके तो मुझे कह रही है मुझे कुछ ऐसा दिखाओ कि मैं तुम्हें तुम पे यकीन करूँ किसी भी डाउट के बगैर. तो कह मैंने कहा मैं अभी तुम्हें फ्यूचर प्रिडिक्ट करके दिखाऊंगी. तो अभी चार इवेंट्स जो आगे होने वाले हैं ना वो मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ. ये जा रही है ठीक है. ओके उस ट्रकर ने अपनी जो है कॉफ़ी मग गिरा दी है ठीक है. एंड ओके पुलिस रेडियो स्टेशन पे जो है कॉल आई है एंड उसका पार्टनर चला गया उसको छोड़ के. मैंने ये नोटिस कर लिया. एंड उन दोनों की लड़ाई हो गई है और जो है इनकी मामा जॉयस वो उनको रोक रही है. ओके एंड चौथा इवेंट ये आप देख सकते हो वो कॉकरोच जा रहा है उसके अंदर उस मशीन के अंदर जियो बॉक्स जैसे कहते हैं. एंड यस जियो बॉक्स पागल हो जाते हैं उसकी वजह से. एंड यस अब टाइम पीछे करते हैं एंड इसको बताते हैं कि ये सब इवेंट होने वाले हैं. तो लेट्स गो. पहला ये कि ट्रकर अपना मग गिराता है एंड जॉयस जो है उसको एक नया देती है बट वो बाद में ऑब्वियसली फिर से गिरा देता है. तो उसके बाद अलर्ट आती है कॉप रेडियो पर. उसका पार्टनर जो है अपनी गाड़ी में उसको छोड़ के चला जाता है एंड उसके बगैर मतलब निकल जाता है. उसके बाद जो है वो ट्रेवर और जस्टिन फाइट कर रहे होते हैं और जो जॉयस है वो उनको रोकती है और जी बॉक्स क्रेजी हो जाता है जब एक काकरोच उसके ऊपर क्रॉल करता है. कैरी काफ़ी बिजार है बट देखते हैं आगे होता क्या. Oops. Did you break another cup? Oh, way really? To go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. I do have to be careful how I use it. Screw that! You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened. बात तो सही है उसकी किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा और हम इजीली उनके साथ मतलब कुछ भी कर सकते हैं. एंड मैंने उसे कहा कि आई डोंट हैव टाइम प्ले करने के लिए. तो कह रही है तुम्हारे पास टाइम नहीं है. ओके तो हम इस क्लोई के जो है अभी एक कोई सीक्रेट प्लेस है उधर जा रहे हैं एंड कॉल आ रही है मुझे किसी की. लेट्स सी किसकी कॉल आ रही है. कह रही है कि अभी कॉल ना उठाओ बट ये केट मार्श है ब्लैकवेल से जो काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड है और ये कि इसको बुरा लग रहा है कि मैं उसकी कॉल उठाऊंगी या क्या करूँगी. तो ऑब्वियसली मैं कॉल उठाऊंगी यार वो पहले ही डिप्रेस्ड है कोई मसला हो सकता है पर ये इसको बुरा लग रहा है ऑब्वियसली बिकॉज 5 ईयर्स बाद आई हूँ और बेस्ट फ्रेंड है मेरी. बट यार कॉल उठानी पड़ेगी मुझे. तो हाँ मैं उससे ये प्रॉमिस करी कि हम लोग ढूंढेंगे किसने तुम्हारे साथ ये सब किया है बस उसनी. और उसको ये कह रही हूँ अपना होमवर्क करो और टेंशन ना लो मैं भी आ जाऊँगी. तो बस अब ये बुरा भला बोल रही है लाइक टॉन्ट करिए सिंपली. तो यस एंड हम लोग जा रहे हैं और ये कौन भाई बंदा है ये हम पे नज़र रख रहा है क्यों. चलो भाई चलते हैं. ये किसी जगह पर मुझे ले गया. ये तो जंक यार्ड है भाई. इज दिस रेस कह रही है हमारी करेक्टर. एंड ये कह रही है मैक्स तुम्हें पता है कितना ऑसम है मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस आ गई है एंड वो अब सुपर साइज है मतलब कि उसके पास पावर्स है. तो ये कह रही है बट ओके ये कह रही है कि तुम्हारा अबू बेशक उसने इस तरह किया बट तुमने उसकी बंदूक चोरी की है लाइक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड इस वीडियो में मैं कोई बीप नहीं कर रहा बिकॉज यार जो जो भी मुझे देखता है ना वो मोर देन 18 ईयर्स होगा एंड उसको इन चीज़ों का पता होगा. सो आई डोंट हैव टू यूज़ इट. तो कह रही है हम कोई रास्ता ढूंढते हैं जिससे तुम्हारी पावर्स को अब्यूज़ कर सकें. एंड इसने ड्रिंक पूछा तो कह रही है सो यार. और ये कह रही है 5 बोतलें ढूंढो और मैं एक शूटिंग रेंज यहाँ पे बनाती हूँ एंड फिर मिलके शूट करते हैं निशाने लगाते हैं. तो अब कह रही है प्रिटी प्लीज़ मेरे लिए जो है ना 5 बोतलें ढूंढ लो. हो गया इस प्लैंक पे मूव लिखा हुआ है. ओ भाई भारी होगा यार. हाँ कह रही है वे हैवियर देन आई थॉट. मुझे भी वैसे देखने में इतना नहीं हैवी लग रहा था बट मैंने जब कलर ग्रेडिंग कर ली है ना अब बहुत हैवी लग रहा है. ओके तो टेक द बॉटल क्योंकि कलर ग्रेडिंग से वो थोड़ा सा अफेक्ट ऐड हो जाता है. ओके उसने बॉटल ले ली है. उसका कलर इस तरह हो गया ना कि वो इस तरह लग रहा है कि कोई हैवी प्लैंक है अच्छी वुड का. ये मैं आया हूँ कहीं पर अभी पता नहीं क्या जगह है. ओके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यादें हैं इसकी दोस्त क्लोई और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी क्योंकि 5 साल ये उसके पास नहीं थी रेचल. एंड बूम 3 बोतलें रह गई हैं.
और यार उसका ब्रेसलेट यहाँ पे एंड उनकी फोटोज कह रही है वो बेस्टीज थे, मैं उसकी जगह ले सकती थी बट ऑब्वियसली, और ये उसने मिक्स टेप उसको गाने की बना के दी अपनी रेचल को। ओके तो यहाँ पे बॉटल का साइन आ रहा था, मैं अंदर आया हूँ, ये बॉटल पकड़ते हैं एंड यहाँ से चलते हैं। या यहाँ पे बहुत लोग पार्टी करते होंगे, सही कह रही है, नाइट्स में बॉनफायर के पास। चलो वापस चलते हैं। ओके ये ऊपर मुझे एक बॉटल मिली है, ठीक है। ओ भाई ये टूट गई, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो मैं ऊपर रख के जो है निकाल लूँ। टाइम पीछे करते हैं। ओके मुझे एक क्रेट मिला, अब इस क्रेट को यहाँ पे रखते हैं और इसके ऊपर चढ़ के जो है बॉटल पकड़ लेते हैं। ओके आखिरी बॉटल रहेगी बट मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, सीधा जो एक लोगों के पास चलते हैं, वो दिखा रहा नहीं हूँ मैं। ओके तो अब इसको जाके बॉटल्स दे देते हैं, बॉटल्स कह रहा हूँ। ओके तो या रखती है सारी भाई, जल्दी रख। एंड इसने छेवी भी रख दी है, एक और जो ये पी रही थी, ये कसम से सीरियस है भाई, मुझे लगा वैसे नहीं शूट करेगी। ओके तो मैंने उसे कहा कि पहले शूट करो फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। अच्छा इसने थोड़ा सा लेफ्ट किया, तो हल्का सा जो है राइट पे एम करो। यस अब फायर करो और एग्जैक्ट निशाना, ठीक है। यस आई सॉ दैट, ओके टारगेट पे फायर करो एंड फायर भी कर दे। ओके इसने नीचे फायर किया, टाइम पीछे करो एंड इसको बोलो कि हल्का सा जो है ऊपर एम करो। यस राइट बिटवीन द आईज एंड शूट, लेट्स गो। ओके तीसरी वाली पे ये नेथन को कह रही है वॉच आउट, तीसरी वाली मुझे कह रही है कि कुछ ऐसा मुझे बताओ कि कोई और टारगेट हो बट उसको हिट करे, कुछ ट्रिक शॉट। मैंने इसको कहा लेफ्ट पे जो छोटा व्हील है ना मेरे, उसको क्लिक करो एंड मतलब उस पर शूट करो। यू सॉ दैट, काफ़ी कूल थी वो एंड कह रही है एक और ट्रिक शॉट करनी है। गाड़ी पे जो ये लेफ्ट साइड पे इसका टायर है ना, इसको मारो, शूट करो एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। भाई ये गाड़ी हमारे ऊपर ना आ जाए। ओ भाई साइड पे हाँ, गुड गुड। ओके लेट्स सी एंड यस सारी बोतलें टूट गई। ओके लेट्स गो। ओ इसके नाक से खून निकल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। ओके तो हम उस ख्याल से बाहर आ गए हैं। ओ भाई साहब ये लोग यहाँ पे गाड़ी बैठे कह रहे कि तुम मुझे डरा दिए थे, तुम बेहतर हो पहले से। तो मैंने कहा हाँ थोड़ी सी एंड थैंक यू, मेरी हेल्प करनी है, बस मुझे एक मिनट दो। एंडी कह रही है ये ताकत मेरे सर के साथ बहुत ज़्यादा मैस करती है, लाइक मुझे दर्द होने लग जाती है एंड अब मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। क्लोई से बात करते हैं और तेरे पास है भी कुछ करने के लिए, तो अब कह रही है अब तुम भी शूट करो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। इसने गन दे दी है हमें, ये भाई ये वही बंदा है जो हमें चेस कर रहा था एंड इसके हिसाब से ये जो लड़की है क्लोई, इसने इससे बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं तो ये इसीलिए इसके पीछे पड़ा हुआ है। और ये मेरे से पूछा तुम क्या छुपा रही हो, कुछ भी नहीं भाई। और ये ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही है क्लोई इससे, ये कह रहे तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, पीछे हो जाओ। ये कह रही है कि ये रेचल का ब्रेसलेट है और तुम क्यों पहन रहे हो ये ब्रेसलेट, तो कह रही है मुझे गिफ्ट मिला, गिफ्ट कह रहे मुझे गिफ्ट दिया था रेचल ने बट उसको लग रहा है इसने चोरी किया है, तो कह रहे पीछे हट जाओ या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे काट दूंगा, ज़्यादा फ्री मत हो। ओके तो अब मेरे पास मुझे कह रहा है कि गन नीचे करो बट मेरे पास चॉइस है शूट करने की, तो मैं शूट दुबाया। ओ भाई गोली नहीं है। ओके दैट इज़ हिलेरियस, तो कह रहे तुम्हारे पास जुमे तक का टाइम है, मुझे पैसे दो वरना उसके बाद तुम्हारे पास कभी ये मौका फिर से नहीं आएगा। और ये चला गया एंड ये कह रही है कि मेरा सीक्रेट जगह आज मुझे बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं लग रही, तो जो कह रहा है वो तो चला गया, अब हमें तंग नहीं करेगा, उसको बस पैसे चाहिए थे उसके। एंड अभी हमारी लड़की वो जो क्लोई है वो कह रही है मुझे समझ नहीं आ रही तुमने गन कैसे चलाई, कह रही है कि मैं तो हमने हमारे करेक्टर में मैं तो शुक्र कह रही हूँ कि उसके अंदर बुलेट नहीं थी, मुझे डर लगता। ओके ये फ़ोटो ले रही है सूरज की, फ़ोटो ऑप भाई फिर से। ओके तो हम वापस आ गए हैं। ओके ठीक है। ओ मैक्सी क्लोई की आवाज़ आ रही है कि मुझे हेल्प करो मैं स्टक हूँ, ओ ये रेलवे लाइन के अंदर इसका पाँव फंस गया और ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है पीछे से, ये क्रोबर मिला, ये पकड़ो जल्दी पकड़ो भाई, ऑब्वियसली वी विल यूज़ दिस। ओके ये दरवाज़ा खोलो, जल्दी जाओ अंदर जाओ भाई, भाग जल्दी कर, ठीक है। ये दराज़ मैंने खोला है, इसके अंदर से मुझे प्लायर्स मिले, ठीक है। प्लायर से मैं जो कंट्रोल नीचे होता है ना रेलवे लाइन का, ये रेड वायर मैंने कट कर दिया और ये सही राइट केबल है। अब टाइम पीछे कर लेते हैं एंड लेट्स गो, फिर से मैं वायर काट लेता हूँ बट वो चीज़ स्किप कर देता हूँ, ठीक है।
एंड अब ऊपर चलो, ऊपर चलो, ये चीज़ यहाँ से साइड से हटाओ, ठीक है। और उसी टाइम जो है राइट नाउ लेट्स पुश दिस, ठीक है। ये वो जो चीज़ है ना वो जाम हुई हुई है, तो इसकी वजह से वो जो है चेंज हो जाएगी रेलवे लाइन, बेशक वो जाम है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी तार होती है। अब चल के इसकी हेल्प करते हैं, लेट्स गो। हमने इसको बचा लिया भाई, आज के एपिसोड कुछ ज़्यादा ही इंटेंस थी, ठीक है। काफ़ी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको जो है अच्छा बनाया एंड सारे पार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा छोटा किया मैंने, ताकि कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टेंट हो। तो कह रही है अब मुझे वापस स्कूल छोड़ दो, बिकॉज मेरी क्लास है आर्ट की, एंड ये कह रही है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, इसलिए मैं तुम्हारी शॉप पर इन कंपेनियन होगी। तो ये अब कह रही है कि वो जो स्नो आई थी ना टर्नेडो, उसका लिंक है तुम्हारी इसके साथ। एंड ये कह रही है कि मैक्स मुझ पर यकीन करो कि तुमने मुझे इतनी दफ़ा बचाया है, ठीक है, टाइम पीछे करके, तो ये तुम्हारे साथ ही लिंक है इस चीज़ का, ये जो टॉर्नेडो और स्नो आई थी एंड ये सब चीज़ें बता रही है। और कह रही है कि क्रेजी शिट होती है और होगी, क्योंकि केओस थ्री है कोई, मैंने तो नहीं पढ़ी, इनको पता है बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बड़ी क्लास में मेरे से, तो ऑब्वियसली, बट मैंने अभी तक केओस थ्री के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम पार्ट, सी यू इन द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।